नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के गोंडा जिले में कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंडा लखनऊ हाईवे पर कार में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि घटना ग्राम पंचवड़ी के पास भारत पेट्रोल पंप के सामने की है। यहां तेल भरवाकर सड़क के किनारे पहुंची एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार में सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गोंडा में शहर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज मोहल्ले में हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपनी सास को चाकू से गोद कर मार डाला, तो वहीं पत्नी को भी लहूलुहान कर दिया। दरअसल पत्नी को विदा कराने आए युवक नसीम ने मामूली कहासुनी के बाद पत्नी और सास को चाकू से गोद दिया। आनंद फानंद में ससुराल वालों ने पत्नी और सास को जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान जहां युवक की सास की मौत हो गई, तो वहीं युवक की पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। रात्रि में लगभग 11 बजे बेबी और उसके पति नसीम एवं उसके परिजनों से आपस में विवाद हुआ, जिसमें नसीम द्वारा चाकू लेकर अपनी पत्नी बेबी और सास रेशमा को चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। बेबी और रेशमा को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया। आज सूचना प्राप्त हुई है कि रेशमा की मृत्यु हो गई है। ये जो है रात में अपने बीवी को मारा, तो इसकी मां ने जो है कोतवाली में तहरीर देने गए, उसके बाद समझा बुझा के चले आए। लाइट जाने के बाद में नसीम जो इसका दामाद है उसने चाकू मारा है, एक चेस्ट पे मारा है, एक साइड पे मारा है, और बीवी को अपने साइड पे मारा है, एक हाथ पे मारा है। जौनपुर के बड़ियाऊ थाना क्षेत्र से इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहां अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर क्षेत्राधिकारी ने युवक को बीच बाजार में थप्पड़ जड़ दिया। खबरों की माने तो अतिक्रमण हटाते हुए युवक अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिससे नाराज क्षेत्राधिकारी ने युवक को थप्पड़ मारा है। कन्नौज के मकरगंज नगर में ऑटो की टक्कर लगने से छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो की टक्कर से छात्रा घायल हो गई थी, जिसे अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कन्नौज के जिला अस्पताल में वेतन न मिलने से सफाईकर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 3 सफाई नायक और कर्मी 36 सफाई कर्मियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा कर्मचारियों ने संस्था पर लापरवाही के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में अतिक्रमणकारियों के मनमाने रवैये से परेशान प्रशासन ने सख्त लहजा अपनाते हुए नगर के कई मार्गों पर स्थित अतिक्रमणकारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके चलते पुलिस और दुकानदारों में हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि यह मामला कस्बा पिनाहट बाजार का है, तो वहीं इस बार मौके पर जिले अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिन आगरा में हुए दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस महकमे समेत नगरवासियों में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि धारदार हथियार से हत्या की गई है। हालांकि पुलिस 3 आरोपी को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामला आत्मदौला थाना क्षेत्र का है। आगरा के आत्मदौला थाना क्षेत्र एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं था। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। और खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों में बिहार की 16 साल की मासूम के कुछ तरिंदों ने दुष्कर्म करने के साथ साथ हत्या कर दी, जिससे गुस्साए छात्रों ने बिहार सरकार से मांग की है कि पीड़ित के आरोपियों पर जनता के हवाले कर देना चाहिए। और इसी बीच छात्रों ने नीतीश कुमार वृद्धावाद के नारे भी लगाए और न्याय मांगने के सिलसिले में कैंडल मार्च भी निकाला। और यह जिले में सड़कों पर चेकिंग अभियान जोरों शोर से चल रहा है। हर एक डग्गामार वाहन को चेक करके आगे जाने दिया जा रहा है। साथ ही बिना नाम प्लेट वाहनों पर
विशेष नजर रखी जा रही है। आप बता दें कि कुछ दिनों बाद पड़ोसी जिले कानपुर देहात में राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने मीडिया से साझा की। देवरिया से बड़ी दुखद खबर सामने आई, जहां एसएसपी में जवान के पद पर तैनात की दिन दिहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव में आया, गांव में मातम पसरा दिखा, पिता बिला बिलाकर रोने लगे। आप बता दें कि विजय कुमार भारती झारखंड के बागडोर में प्रधानी के चौथे चरण का चुनाव कराने गया था। वहां हथियारों ने ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। घर वालों का आरोप है कि यह हत्या है, जबकि प्रशासन इस मामले को हत्या करार दे रहा है। लक्सर में बीते 5 से 7 सालों पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पोस्टमार्टम हाउस के लिए भवन निर्माण किया गया था, जो लाखों की लागत से बनाया गया था। लेकिन पोस्टमार्टम हाउस तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसकी ओर से मुंह मोड़ता हुआ नजर आया है। और आज तक पोस्टमार्टम हाउस में किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लाखों की लागत से बनाया ये पोस्टमार्टम हाउस आज जर्जर हालत में पड़ा है। सरोवर नगरी नैनीताल उसके आसपास तेज हवाओं के चलते यहां आरपाटा क्षेत्र में एक पेड़ की बड़ी टहनी टूटकर एक दुकान के ऊपर जा गिरी। इसके चलते दुकान वाले को नुकसान हो गया, हालांकि गनीमत ये रही कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। पौड़ी जिले के लैंडस्टाउन विधानसभा के राजीव गांधी विद्यालय को बंद किए जाने के आदेश का छात्रों और अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही छात्रों और अभिभावकों ने स्थानीय विधायक दलीप रावत महंत के सामने स्कूल को बंद न किए जाने का अनुरोध किया है। बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बंद करने का आदेश दिया गया है। 4 धाम यात्रा करने आने वाले यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत मिलने के बाद उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि इस मामले पर मुनिकीरेती पुलिस ने भी कई अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।